हर जगह लॉकडाउन है और ऐसे में मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, तो क्यों ना कुछ हेल्दी यम्मी और अपने घर का बना हुआ खाया जाए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रागिनी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही स्पाइसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है वेज काठी रोल, या आप इसे सिंपल सी फ्रेंकी भी कह सकते हैं। मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया, बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ताकि आपके घर में ये बहुत ही आसानी से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को बहुत ही ईजी तरीके से देख पाएंगे, जो कि बहुत ही यम्मी सिंपल और टेस्टी रेसिपीज़ होती हैं। ये देखिए, ये फ्रेंकी जितनी टेस्टी यम्मी लग रही है ना, यकीन मानिए उससे ज़्यादा टेस्टी और यम्मी ये खाने में है। तो आप वैसे ही बनाइए जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ये काठी रोल है फ्रेंकी बनाने के लिए चाहिए होगा मैदा, तो आप इसे पूरा आटे की रोटी में भी बना सकते हैं। तो मैंने एक कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो पूरा आटा या पूरे मैदे में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम सॉफ्ट रोटी चाहिए तो आप इतना क्वांटिटी रखिए जितना मैंने बताया। थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच तेल डाल के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और आटे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करना है। आटा हमें हार्ड नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट लगाना है ताकि इसकी जो रोटियाँ हों एकदम मुलायम बने। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा गूंथ के तैयार करेंगे। वैसे तो इसका आटा गूंथने में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना आटा लिया है उस हिसाब से बस आधा कप पानी यहाँ पे मुझे यूज़ हुआ था आटा गूंथने में। तो यहाँ पे देखिए, आटा अच्छे से गूंथ रहे हैं, गूंथना ज़रूरी है। हथेलियों के पीछे वाले हिस्से से अच्छे से इसे मसल मसल कर गूंथ लें ताकि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। मैदा है तो थोड़ा सा इसे गूंथने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हाथ में थोड़ा स्टिक हो रहा है, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और आटे को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। तो चलिए आटे को अच्छे से मसल लेते हैं और इसे सॉफ्ट कर लेते हैं। और जब आटा गूंथ के हो जाए तो हमें इसे ढक करके लगभग 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तब तक हमें अपने मसालों की तैयारी करनी है। तो चलिए, यहाँ पे 10 मिनट मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया था, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब अपने हाथों से मसल लेंगे और अब हमें इसकी चपाती बनानी है। तो हाथों से फिर से अच्छे से इसे मसल करके आटे को अच्छे से सेट कर ले। और यहाँ पर देखिए, अब इसकी रोटियाँ हमें बनानी हैं। तो यहाँ पर आटे को ले लेंगे और इसे 2 पार्ट में या तो छोटी छोटी लोइयों में, पेड़े में डिवाइड कर देंगे। और इतने से आटे में मैंने 8 रोटी बनाई थी, मतलब 8 फ्रेंकी बन के तैयार हुई थी। तो अगर इस हिसाब से आप क्वांटिटी लेते हैं 1 कप मैदा और 1/2 कप आटे का, तो इसमें आप 8 से 9 फ्रेंकी बना के आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं और मैं आपको फ़िलहाल 1 रोटी बेल के दिखाऊँगी। और चलिए इसकी रोटी बना लेते हैं और बाकी का आटा मैं रख दे रही हूँ, बाद में बनाऊँगी। तो रोटियाँ इसकी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो लंबी मैंने रखी है, उसका बस एक ही रीज़न था कि आपको हर एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा सकूँ। तो इसकी जो रोटियाँ हैं उस पर हमें ये फोकस नहीं करना है कि रोटियाँ कितनी गोल हो, हमें फोकस ये करना है कि रोटियाँ कितनी ज़्यादा पतली हो। रोटियाँ जितनी पतली होंगी आपका फ्रेंकी उतना ही टेस्टी बनेगा। तो रोटियों को अच्छे से बेल लें, थोड़ा बड़ा ही, नॉर्मल रोटी के मुकाबले थोड़ा बड़ा ही इसे बेलेंगे, बड़ा ही रखेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा ले ज़रूरत पड़ने पे और इसकी बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर ले। तो रोटियों को उतना बेलना है कि आपको आपका हाथ पे लेने पे हाथ की उंगलियां आपको एकदम साफ दिखाई दे। मैं आपको बताती हूँ, पहले इसे बेल लेते हैं और इसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने अपने हाथों में लिया है तो मेरी जो उंगलियाँ हैं ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट आपको दिख सकती होंगी। इसी तरह से हमें सारी रोटियाँ बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इतनी सी लोई में 8 रोटी बना के तैयार हो गई और सारी रोटी मेरी एक जैसी ही बनी है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और इन रोटियों को हमें थोड़ा सा सेक लेना है। तो यहाँ पे बिना तेल लगाए, बिना कुछ भी, सिर्फ हमें ऐसे ही तवे पे रोटियों को सेकना है। और इन रोटियों को हमें बस इतना सेकना है कि ये थोड़े कच्चे ही रहें, पूरा हमें इसे नहीं पकाना है। इसे 80% पकाएंगे और 20% इसे कच्चा ही रखेंगे हम। इसे हम बाद में फ्रेंकी बनाते टाइम फिर से पका लेंगे। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसी वक्त थोड़ा सा तेल लगा के रोटियों को अच्छे से बना करके साइड में रख सकते हैं। तो फ्रेंकी की जो रोटियां मिलती हैं मार्केट में, वो ऐसे ही मिलती हैं जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबा लेंगे और हमें रोटियों को फूकने नहीं देना है। रोटियां हमारी फूकनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी ये जो है चपटी ही रहनी चाहिए। तो देखिए, बस इस पर ऐसे लाल स्पॉट्स, लाल से चीटे आने तक हम पका लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये रोटी जो है ना, ये बन के रेडी है। इसी तरह से मैंने सारी रोटियों को यहाँ पे पका लिया है अच्छे से। और ये देखिए, ये थोड़े कच्चे ही हैं और सारी रोटियाँ देख रहे हैं ना आप, कितनी अच्छी लग रही है ना, यम्मी लग रही हैं एकदम से। तो ये देखिए, बस इतना हमें रोटी को पकाना है कि इसके ऊपर ऐसे रेड से स्पॉट्स आ जाए बस। और ये देखिए, एक तरफ से इसे मैंने कच्चा ही रखा है। तो अब हमें चलना है इसका मसाला बनाने की तरफ। तो एक कढ़ाई गर्म करने रखेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच या 2 चम्मच के लगभग तेल।
तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसमें सबसे पहले मैं प्याज इसमें ऐड करूँगी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर लिया है मैंने। तो आपको जो भी सब्जियाँ मिली आप वो ऐड करिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी सब्जियाँ ऐड करनी है, आप सिर्फ प्याज, टमाटर और सिर्फ कैबेज से भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज को हल्का ही हमें पकाना है, सारी सब्जियों का क्रंचीनेस रखना है, तो सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हाई फ्लेम पे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेंगे बस, ताकि सब्जियों में कच्चापन बना रहे, क्रंचीनेस बना रहे। और इसके बाद इसमें मैं 1 to 2 pinch मैं इसमें सिर्फ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और यहाँ पे 2 चम्मच अमचूर पाउडर डालूँगी। तो मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना स्पाइसी ज़्यादा या कम चाहिए, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। रोटियों में भी हमने नमक डाला है तो नमक थोड़ा अंदाजे से ऐड करिए। मैं यहाँ पे ग्रीन चिली और एक छोटी सी रेड चिली ऐड की है मैंने यहाँ पे। मिर्ची मैंने इस टाइम इसलिए ऐड की हो क्योंकि हमें ये जो मिर्ची है ना इसे जलाना नहीं है, इसका कच्चा पर रहना चाहिए, इसलिए मैंने सब्जियों को पकाने के बाद इसमें मिर्ची ऐड की है। सारी सब्जियाँ और मसाले हमारे अच्छे से मिला के हमने मिक्स कर लिए हैं और ये पक चुके हैं। यहाँ पे 3 आलू लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, इसे उबाल लिया है और अपने हाथों से मैश कर लिया है। आप चाहे तो आलू को किसी ग्रेटर से ग्रेट कर ले या अपने हाथों से अच्छे से मैश कर ले। और इसके बाद सारी सब्जियों में आलू को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि मसालों की सब्जियों की कोटिंग अच्छे से आलू पे हो जाए और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, आप ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इसका जो स्पाइसनेस जो होती है काली मिर्च की, इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, अब हमें इसे ढक करके छोड़ देना है और इसे ठंडा हो जाने देना है। तो यहाँ पे ये मसाले भी तैयार हैं, तो अब हम अपने हाथों पे ले लेंगे मसालों को ठंडा हो जाने पे, और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार करेंगे। तो पेड़े हमें थोड़े लंबे बनाने हैं क्योंकि हमें इसे रोटी पे लगाना है, रोटी पे लगा के हमें रैप करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का हम सारा जो आलू का मिक्सचर है उसका हम इस तरह का टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने 8 रोटी बनाई थी तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे 8 मैंने ऐसे बना लिया आलू के मसाले। और यहाँ पे देखिए मैंने एक फिर से पैन गरम करने रखा है और अब हमें इस पे रोटियों को सेकना है। जो फ्रैंकी की रोटियां हमने बना के रखी है इस पे मैं हम लोग बटर लगा लेंगे या घी लगा लेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे घी लगाया है, बटर इस टाइम नहीं है। तो घी लगाने के बाद रोटियों को हम अच्छे से सेक लेंगे एक तरफ से और हमें अच्छे से पकाना है अब रोटियों को। रोटियों में कच्चा नहीं, रोटियाँ कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से हम इसे पका लेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे और इसके साथ में ये रोटियों को हम अच्छे से पका लेंगे। आप यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं और अगर आपको बटर मिलेगा तब तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। तो जो भी आप लगाना चाहे, घी, ऑयल, बटर, आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। और रोटियों को सिर्फ ध्यान ये रखना है कि रोटियाँ आपकी कच्ची ना रहें, रोटियों को अच्छी तरह से पका लीजिए। तो यहाँ पे जब एक रोटी पक जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी रोटियों को भी पका लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 रोटी आपको सेक करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं सारी रोटियाँ और सारी फ्रैंकी दिखाने लगूँगी। तो 1 रोटी यहाँ पे मैंने सेक लिया है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे 2री रोटी भी सेक ली है घी डाल करके अच्छी तरह से। तो बस रोटियाँ तैयार है, चलते हैं आप इसे फ्रैंकी बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू की टिक्की भी अच्छे से सेक ली है और इसके बाद देखिए चलते हैं फ्रैंकी बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 रोटियाँ मैंने रख ली हैं और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शेजवान चटनी। तो मैंने बोला मैं इसे स्पाइसी बना रही हूँ, आप अगर इसे स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप इस जगह टमाटो केचप भी इस पे ऐड कर सकते हैं या लगा सकते हैं। ये जो चटनी की रेसिपी है मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। तो इससे क्या होगा ना, ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी बनेगा और अगर आपने टमाटो केचप लगाया तो ये और भी स्वादिष्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टिक्कियाँ मैंने सेक ली हैं और मैंने ये यहाँ पे सेज़वान चटनी लगा दी है। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप ये चटनी अवॉइड करिए और इसी जगह टमाटो केचप लगा दीजिए। तो यहाँ पे 1 टिक्की को रख लेंगे रोटियों पे और ये देखिए मैंने थोड़ा साइड में रखा है कॉर्नर की तरफ, क्योंकि अगर हम मिडल में रखेंगे तो रोटियाँ हमें रैप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, साइड में रखेंगे तो रोटियाँ अच्छे से फोल्ड हो जाएंगी। थोड़ी सी कटी हुई गाजर ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, फ्रेशनेस के लिए ऐड कर रही हूँ और इसका थोड़ा कच्चापन आएगा तो अच्छा लगेगा। कैबेज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो जो भी सब्ज़ी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा प्याज ऐड कर सकते हैं, कच्चा टमाटर ऐड कर सकते हैं, सब्जियां जो भी आप चाहे आपकी पसंद से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम मैंने 2री रोटी में भी इसी तरह से लगा दिए हैं सारी कच्ची सब्जियां जो भी मेरे पास थी। और इसके बाद ये जो फ्रैंकी है ये बन के तैयार है, बस अब हमें इसे रोल कर लेना है। तो रोल कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। रोल करने के लिए यहाँ पे ये जो नीचे का हमने पार्ट छोड़ा है इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और साइड वाली जो रोटी का हिस्सा है इसे ऐसे घुमा करके हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारी फ्रैंकी बनके तैयार है।
तो इसी तरह से हमें सारी फ्रेंकी बना लेनी है। और अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल हो तो आप नीचे से उसे रैप कर दीजिए ताकि ये खाते टाइम प्रॉब्लम ना आए, गिरे ना। वैसे हमने इसे जैसे रैप किया है ना, ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, अच्छे से हम इसे खा पाएंगे। और ये देखिए, दूसरी भी मैंने फ्रेंकी को, काठी रोल को इसी तरह से रोल कर दिया है और ये दोनों फ्रेंकी बन के हमारी रेडी है। इसी तरह से बाकी की फ्रेंकी मैंने बना ली है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।